बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू देसी कुकिंग सीक्रेट यूके। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ इजी चिकन ग्रिल लेग्स बनाने की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो चले देखते हैं इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनाते हैं। रेसिपी शुरू करने से पहले, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बार वक्त मिल सके। इजी चिकन ग्रिल लेग्स बनाने के लिए सबसे पहले तो हमने चिकन लेग्स लेनी है। इसको अच्छी तरह धोकर इसके ऊपर मैंने इस तरह कट लगा ली है दोनों साइडों पे। यह तकरीबन 1 किलो के करीब होंगी। और मसाले लगाने के लिए हमने 1 कप दही लेना है, 2 टेबलस्पून लेमन जूस, 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल और नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक लें। मैंने 1 टीस्पून लिया है सुरख मिर्च, 1 टीस्पून गरम मसाला पिसा हुआ, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून चिकन टिक्का मसाला, 1 टेबलस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून। अब इन सारे मसालों को हम दही में अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। लेमन जूस, ऑयल, इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब चिकन लेग्स इसमें डालकर मसाले में अच्छी तरह इस तरह मिक्स कर लेंगे। इसको अगर आप चाहें तो उसी टाइम भी बना सकते हैं। अगर टाइम है तो आप 2-4 घंटे इसको मैरिनेट करके रख दें। मैं मैरिनेट करके इसको रख रही हूँ 4-5 घंटे के लिए, तो फिर मसाला लगा कर रख देंगे, फिर हम बनाएंगे। चिकन हमारा मैरिनेट हो चुका है। आप इसको चाहें तो उसी टाइम भी बना सकते हैं। मैंने 2-3 घंटे के लिए मैरिनेट किया था। अब आप इसको कढ़ाई में या पैन में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं कुकर में बना रही हूँ। कुकर में थोड़ा जल्दी गल जाएगा। अब कुकर में पानी वगैरह हम नहीं डालेंगे, इसी के चिकन के अपने पानी में ही गल जाएगा। जो इसका अपना मसाला है इसी में हम गला लेंगे। इसको बंद कर देंगे, इसके ऊपर ये वाला वेट नहीं लगाएंगे, वैसे ही इसको ओपन छोड़ देंगे। और अब इसको तकरीबन 7-8 मिनट तक वैसे ही पकाएंगे बगैर वेट के। चिकन देखें हमारा अच्छी तरह गल चुका है। अब हम इसको ग्रिल पर थोड़ा क्रिस्पी बनाने के लिए इसको कर लेंगे। अब इस तरह की आप कोई ग्रिल ले लें, ग्रिल के ऊपर हम इसको थोड़ा सेक लेंगे चिकन को। अगर आपके पास ग्रिल नहीं है तो पैन या तवे पर भी इस तरह आप इसको कर सकते हैं थोड़ा ऑयल लगा के। लेकिन इसके ऊपर मैंने कोई ऑयल वगैरह नहीं लगाया, वैसे ही इसको ग्रिल पे रख रही हूँ। तो बिल्कुल बारबेक्यू तरह बन जाए। इस तरह थोड़ी थोड़ी देर बाद आप इनकी साइड चेंज कर दें।
चिकन लेग्स हमारी तैयार हो चुकी हैं, अब हम इनको निकाल लेंगे, सर्व कर देंगे, चूल्हा बंद कर देंगे। चिकन लेग्स हमारी तैयार हो चुकी हैं, इसकी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए तो फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक आप सब लोग अपना ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, खुदा हाफिज़।